नोटबंदी के सरकार के फैसले को आज 10 दिन पूरे हो गए। नकदी निकालने को लेकर हो रही लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एटीएम और बैंक में लोगों की भीड़ कम हो रही है। इस बीच ग्राहकों ने आज केवल अपने बैंकों से ही पुराने नोट बदले। वरिष्ठ नागरिकों को हालांकि किसी भी बैंक में नोट बदलने की छूट रही। नोटबंदी के फैसले के बाद कुछ लोग अपना काला धन सफेद करने के लिए दूसरों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए सरकार ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसा करना अकाउंट का दुरुपयोग माना जाएगा और सरकार इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि ना तो 100 और 50 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं और ना ही लोगों के बैंक लॉकर सील किए जाएंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नोटबंदी से अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होगी। साथ ही सरकार का ये कदम आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद की जड़ पर प्रहार करने में अहम भूमिका निभाएगा। गृहमंत्री ने दिक्कतों के बावजूद लोगों द्वारा सरकार के इस कदम का समर्थन करने की सराहना की। प्रतिबंधित आतंकी संगठन उल्फा ने आज सुबह सुरक्षा बलों के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। हमले में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 4 अन्य जवान घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से आज बात की और हालात का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 5 नक्सली मारे गए हैं। आज सुबह सुरक्षा बलों ने कार्यवाही करते हुए सीपीआई माओवादी की मिलिट्री कंपनी 6 यूनिट के 5 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। कार्यवाही के बाद 3 12 बोर राइफल और एक 315 बोर राइफल भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के रजौरी इलाके में नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने आज फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा स्थित भारतीय चौकियों पर निशाना साधते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे। जवाब में भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। 4 लोकसभा और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 7 राज्यों में आज मतदान जारी है। लोकसभा के लिए असम में लखीमपुर, मध्य प्रदेश में शहडोल और पश्चिम बंगाल में कूचबिहार तथा तामलुक में वोट डाले जा रहे हैं, जबकि विधानसभा के उपचुनाव के लिए असम में बैथालांगोस, अरुणाचल प्रदेश में हायुलियांग, मध्य प्रदेश में नेपानगर, पश्चिम बंगाल में मोन्टेश्वर, तमिलनाडु में थिरुपरनकुंद्रम, त्रिपुरा में बरजाला और खोवाई तथा पुदुचेरी में नेलीथोप में मतदान हो रहा है। तमिलनाडु में अरावाकुरिची और तंजावुर विधानसभा क्षेत्रों में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। सीबीआई करीब 85,000 करोड़ रुपए की पोंजी परियोजनाओं की जांच कर रही है। सीबीआई के प्रमुख अनिल सिन्हा ने कहा है कि जांच एजेंसी इस तरह की जमा लेने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाने को केंद्र के साथ काम कर रही है। इन पोंजी योजनाओं से करीब 6 करोड़ निवेशक जुड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में निकी हेली के एक दावेदार होने की रिपोर्टों के बीच दक्षिण कैरोलिना की भारतीय अमेरिकी गवर्नर ने कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी को समावेशी बनाने की आवश्यकता है और वो प्रवासियों या अश्वेत लोगों को भूलने की गलती नहीं कर सकती। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आज संसद को आश्वस्त किया कि नया संविधान सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया जाएगा और लोगों को इसे मंजूरी देने का अवसर मिलेगा। संविधान सभा की 6 उप समितियों की रिपोर्ट पेश करते हुए विक्रमसिंघे ने ये बात कही। यमन के शहर तैज में सरकार समर्थकों और विद्रोहियों के बीच लड़ाई में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। इस ताजा संघर्ष से क्षेत्र में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संघर्ष विराम के लागू होने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। इस लड़ाई में कई स्थानीय बाजार भी शिकार बने, जहां गोलीबारी में दर्जनों आम नागरिक घायल हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए जीका वायरस को लेकर आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि ब्राजील इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि जीका का प्रकोप कम हो गया है। पिछले वर्ष ब्राजील में जीका वायरस का प्रकोप इतना फैल गया था कि आपातकाल के हालात उत्पन्न हो गए थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 36वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आज से आम जनता के लिए खुल गए हैं। मेले में 12 साल तक के बच्चों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। मेले के पहले 5 दिनों में व्यापारी वर्ग के साथ स्कूली बच्चों को भी मेले का लुत्फ उठाने का मौका मिला। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर पहली पारी के आधार पर 200 रन की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड की पहली पारी 255 रन पर सिमटी, जिसमें भारत की तरफ से आर अश्विन ने 5 विकेट लिए। इसके अलावा मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जयंत यादव और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिए। दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर भारत इंग्लैंड को एक बड़ा लक्ष्य देने की कोशिश करेगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। राजनीति में आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में नेहरू परिवार में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया।